के जितने भी मालिक हैं उनको पता है कि अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप, मैं सकता हूं एग्री कर सकता हूं। मेरा सवाल ये है कि इंडिया का स्टांस ये है, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम्स आई हैं मैच करके गई हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है इंडिया। कॉर्नर वजह क्या? ज़िम्मेदारी तो खैर ये बैरूनी ताकतों की है, ये जो गैर मुल्की एजेंसियाँ हैं वो इसलिए से गर्म है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात जो हैं वो थोड़े से मायूस कुन हैं, इस वजह से इस मौके का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि इनको आपस में ही घेरे रखें। नहीं तो आपकी इस बात की मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि एक दफ़ा एक तरफ हम खुद आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई, गिलगित वाले कहते हैं गिलगित ये खुद छिना बोलते हैं वो, और वो खुद कहते हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो ये चीज कहते हैं, जो पाकिस्तान के क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया, वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई हमारे, हम पाकिस्तान में है ही नहीं, या इवन पूरे पाकिस्तान में होता है इंडिया को तो सबसे पहले हम लाते हैं। मैंने इसलिए अभी इंडिया का नाम नहीं था लिया, मैंने अमेरिका और यूएस उसका इसराइल का लिया, फिर इंडिया को ले आए। अच्छा ये बताएं इंडिया को इसका फायदा क्या होगा, और सेकेंडली ये अटैक बलूचिस्तान में ही क्यों करवाए जाते हैं? ये लेट्स सपोज अगर इंडिया ने बलूचिस्तान में अटैक करवाया तो वो लाहौर में क्यों नहीं करवा देते, वो गुजरांवाला में, वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं करवा देते? खान साहब ने कहा था कि मैं अवाम को ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है मानता हूँ, अवाम तो गरीब है यार पाकिस्तान की, तो 6 करोड़ की MNA की टिकट दे रही हो तो आवाम कहाँ से खरीद रही है? कुछ कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यूथ के जितने भी जनरेशन में उनमें जोश भी है बलबला भी है, लेकिन ये लीडर्स की डेमोक्रेटिकल बातें कि हम आने के बाद यूथ को ऊपर लाएंगे, तो इमरान खान से भी मैं बड़ा डिस जो है ना उसकी एक सिचुएशन होती है ना वो घर के बराबर होती है, घर में एक ही सरबरा होता है, जिस घर में हर बंदा खुद मुख्तार हो जाए ना तो उस घर की बुनियादें टूटती हैं। ये पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हुई हुई है, इतनी ज़्यादा पार्टीज हुई हुई है, पता ही नहीं लगता कौन पॉजिटिव जा रहा है कौन नेगेटिव है, कौन सही है कौन गलत है, हम तो खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं। माइक पे जो भी आता है वो इतने बड़े बड़े वादे कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा लेता है वो, और फिर बाद में जब जज्बाती नारे लगाते हैं, नॉर्मल आवाम जो होगी हमारी जो मतलब यूथ ही हो गए हैं, यूथ जनरेशन हो गए हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं, उनको बीच में डाल के उनसे मुल्क में ही तोड़ फोड़ करवाते हैं। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि अपने मुल्क की फलाह के लिए हम अपने मुल्क को ही तबाह कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही हम किसका साथ दें किसका साथ ना दें, ठीक है। इस टाइम पब्लिक ओवरऑल कंफ्यूज है, अगर बात करें अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है जापान में हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जो G7 के मेंबर हैं उनके अलावा इंडिया इस टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया, और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा इन्वाइट किया गया। क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बेहतर कर पाएगा, हम भी फ़खर से ये कहने वाले बनेंगे कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़ रहे जैसे कोई नेबर कंट्री है इंडिया है या कोई भी? तो वो मसला असल यही है ना कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे, ना ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने मुल्क में तरक्की करने वाला कोई काम करे तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते तो उसके अल्टरनेटिव को थोड़ी बहुत तो तरक्की कर सकते हैं, तो बेहतरी कर ले, बस वही तो हम नहीं ना करते, हम आवाम को डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडों में मसरूफ़ रखते हैं, उनसे मुल्क में तबाहियाँ करवाई रखते हैं जिसकी वजह से दूसरे ममालिक वो डर जाते हैं, उनके फेस नहीं जाते। ये आपने गलत बात किया कि दूसरे ममालिक डर जाते हैं, वो इधर आने से ग्रेज करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान हैं कि जो लोग अपने घर को ही तबाह कर सकते हैं वो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर देंगे, हम इस वजह से नहीं बुरा कर सकते, वो सोचेंगे हम कल को पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सोचेंगे हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और हम भी हमारी जान की भी कोई गारंटी नहीं है। वो इसीलिए ना मुल्क को हमारे सियासतदानों ने मकरूज ही इतना कर दिया हुआ है कि वो उनको पता है सब बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा, और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है, उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ ऐसे ही है, हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है, हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है? इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना वो लीडर होता है,
और विजन, विजन वही बात है ना, लीडर अपना विजन अवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो अवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने अवाम को 24 करोड़ के अवाम को बांट के रखा हुआ है, वो अवाम ही अवाम की दुश्मन हुई पड़ी है, वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है, हर किसी को मतलब लूटने की पड़ी है। इधर से अगर गवर्नमेंट रेट 5 रुपये चीज़ का बढ़ाएगी तो अवाम आगे से उस रेट चीज़ का रेट 50 रुपये बढ़ा देगी, गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वही ना, मुफलिसी को भूल चुके हूँ मैं, ठीक है। खुदा तरसी तो अब किसी के दिल में रही ही नहीं ना। फिजिकल और स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं आपने बोला, जैसे अभी अगर बात करें जो मैचेस होने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, यहाँ से हम कहते हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनका स्टांस ये है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही, हमारा क्या स्टांस होगा वहाँ बेसिकली, हमारा ना जाने का क्या उनका स्टांस गलत है कि सिक्योरिटी, जहाँ हम देखें ना हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, सबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन पर अटैक हो गया, आज की खबर है सिराजुल हक जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं उन पर अटैक हो गया, इधर हमारे लीडर नहीं महफूज, उनके क्रिकेटर वो भी इंडिया के क्रिकेटर महफूज। देखें इसमें हम अपने किसी एक लीडर को नहीं देख सकते, जो बंदा जब तक वजारत में है तब तक गवर्नमेंट के आइन के मुताबिक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अगर एक बंदा वजीर ही नहीं रहा तो फिर उसको सिक्योरिटी, अगर वो जाके केस करेगा कि मुझे मेरा जानी नुकसान है तो फिर दी जाएगी, अगर वो वजीर आजम नहीं है तो उसको सिक्योरिटी क्यों क्यों दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा बात वो तो अपने पे खुद भी हमला करवा सकता है, लाइक एक इस जैसे बंदे को जो आगे कह सकता है भाई जनाब मेरे पे हमला कर दो, वो तो नहीं ना माना जाएगा, एजेंसियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। मैं सकता हूं, एग्री कर सकता हूं, मेरा सवाल ये है कि इंडिया का स्टांस ये है, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम्स आई हैं, मैच करके गई हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है। इंडिया जो है ना, इंडिया वो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्शियल बात करती है, ठीक है ना, और वो हमारे साथ वैसे ही कॉन्ट्रोवर्सीज रखती है, जान बूझ के इमेज हमारा खराब ही रहे। ऑस्ट्रेलियन से पढ़ने आए हुए हैं, ये एक ये है एक ये लोग, ये दोनों आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने आए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसाइड कंट्रीज के लोग जो हैं वो अलाउ हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं वेस्टर्न भी हैं और वो पढ़ते हैं और उनको उनके राइट्स बराबर के मिलते हैं। जब हम स्टूडेंट का इतना ख्याल रख सकते हैं तो हम प्लेयर्स का क्यों नहीं रखेंगे? हमारे यहाँ पे मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान, आपने हिंदुओं की बात की है, मैं सिंध में विजिट कर चुका हूँ, मैं कश्मीर में विजिट कर चुका हूँ, मुझे आइडिया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट नहीं पढ़ने आते, यहाँ पे सोमालिया के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में है आप एक दो यानी अफगानिस्तान ओवरसीज की कुछ सीट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन हैं, श्रीलंकन हैं, काले अफ्रीकन भी हैं, आप कभी आप जीसी में कभी विजिट करें तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ पे विजिट करवाएंगे। गिलगित में भी गिलगित से भी पढ़ने आते हैं, शुमार ही नहीं किया जाता जिसको नहीं करता, वो लोग यहाँ पे आगे कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई, गिलगित वाले कहते हैं गिलगित, ये कुछ ना बोलते हैं वो और वो खुद कहते हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो ये चीज कहते हैं, जो पाकिस्तान के क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया, वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई हमारे, हम पाकिस्तान में है ही नहीं। मेजर इशू ये बताता हूँ कि आपके लाहौर में जैसे कितनी डेवलपमेंट है, उनके इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो कहते हैं हमें हमारा हक दें, हमारे पास उनको पानी साफ नहीं मिलता, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, स्लाब हो जाए वहाँ पे आपको इंतजाम करने के लिए, यहाँ पे कितने कैंप लगाते हैं हम। मेरा कल एक गिलगित के स्टूडेंट से जीसी का स्टूडेंट था, उसे बात हुई, उसने बोला वहाँ पे स्कूल तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर वो हॉस्पिटल तो हैं डॉक्टर नहीं है। मैं गिलगित वालों को गलत कहूँगा, यहाँ पे गिलगित वालों को गलत कहूँगा, वो इसलिए डॉक्टर गिलगित का डॉक्टर यहाँ पे पढ़ने आता है, पढ़ के उसकी माइंडसेट ये होता है कि मैं लाहौर में ही अपना हॉस्पिटल बना लूं, मैं लाहौर में ही की सोचते हैं कि बाहर जाएं और कमाएं, वो अपने घर को खुद ही संवारा जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट इससे ज्यादा और क्या करे कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, आपके कोटे निकालती है, आपको फंड देती है, आपको फ्री एजुकेशन देती है, स्पोर्ट्स के बच्चे यहाँ पे जॉब भी आपको अलाउ करती है। गिलगित के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कोई भी ऐसा बच्चा होगा सेल्फ यानी कि सेल्फ होगा, 100 में से तकरीबन कोई 10-15% होंगे जो सेल्फ पे पढ़ रहे होंगे, 85-87% बच्चे उस पे पढ़ रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा कोटा है गिलगित के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कीजिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात कीजिए, यही यूनिवर्सिटीज अगर हम गिलगित में बना दें, क्वेटा में बना दें, तो फिर ये फाइनेंशियल कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल बात नहीं है, ये वो लोग खुद नहीं करने देते। जब वो देखें हमारी बात सुने, हुकूक नहीं मिलते, औरतें अपने घर से बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, उनको एनवायरमेंटल कभी देखा हो इलेक्शन हुए हो? इलेक्शन तो होते हैं अभी रिसेंटली हुए, सिलेक्टिव लोग हैं भाई वहाँ पे, इलेक्शन बड़ा नाम जो सदारती निज़ाम, वहाँ पे सदारती निज़ाम चल रहा है, जो वडेरे हैं वहाँ के वो इलेक्शन होने नहीं देते, और वही अगर इलेक्शन होंगे कोई अच्छा आएगा,
अगर कोई इलेक्शन होंगे तो कोई वैसे ही बंदा आ जाएगा। अपने चौधरियों के बेटे जो हैं वो सीटें मिल जाती हैं उनको, बाकियों को नहीं मिलती। अच्छा लगा बात करके, और हमने बात जो स्टार्ट की थी वो यही की थी कि हम आपस में लड़ रहे हैं गिलगित वाले पंजाब वालों से, पंजाब वाले बलोचिस्तान वालों से, बलोचिस्तान नहीं है हमारे। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना कायदे आजम ने इस परचम के साए तले एक कहा है, तो हमें एक, हम एक हैं नहीं है ना, वो इसी की वजह है कि पार्टीज जो है ना, पार्टीज बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है इसको ख़त्म करके एक पाकिस्तान का नारा लगा के तमाम पाकिस्तानियों को पॉजिटिव होकर सोच के अपने इमेज को करेक्ट करना चाहिए और अपने अपने साथ और अपने मुल्क के साथ लॉयल होना चाहिए, ठीक है, और अपनी जो इस्लामी इकदाम हैं उनको पूरा करें और अपने हक अपने तक रखें, दूसरों का हक उनको दें और अपने मर्जी से महंगाई वगैरह ना करें। कुछ कहने लगे यार वो बोल गया। चले खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। और आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे हम आपस में ये लड़ाई बंद करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर होगा? हम इंडिया को देखते हैं, तब भी इमेज बेहतर हो सकता है ना जब भाई हम एक दूसरे को बुरा कहना खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहता हूँ ये नहीं सही, ये कहता ये नहीं सही, वो कहता वो नहीं सही, जब तक हम एक दूसरे को साथ जो कर रहे हैं उसको करते रहने दो, आप उसको सही नहीं कर सकते। इख्तलाफ रखना भी है तो रखें। हाँ जी, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बात आए उधर भाई यहाँ पे फिरका वारियत इतनी ज्यादा है, अब फिरके वारियत उसके बाद पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग नहीं सही। अब मैं एक चीज जानता हूँ, पीटीआई के ये लोग कोर कमांडर के घर घुस गए हैं, मुझे आप ये बात बताएं, कोर कमांडर के घर घुस गए हैं फौजी लोग, यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं, क्या फौजियों को ज्यादा नहीं है कि उनको पकड़े, और जो मोर उठा के ले गए आज वो पकड़ा गया कल रात को, ये कैसे हो गया? लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात है, क्लास वाले जो है ना वो आपस में मिलके, यानी के हम टीएलपी पीटीआई और पीएमएल नून की बात करते हैं, कोई वो आपस में मिलजुल के नहीं रहते, हमारे यानी के सरबराह हैं उनको मिलजुल के रहना चाहिए ताकि हमारे निज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से लगे, ठीक है, फॉलोअर्स हैं वो भी मिलके रहे। और दूसरी बात इसी बात को एग्जांपल से बताता हूँ, क्लास की एक छोटा सा यूनिट होता है, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपकी कब्र तक, यूनिवर्सिटी का जो दोस्त है ना वो आप, हाँ यूनिवर्सिटी का सिस्टम जो है जो आपके करीब है, यूनिवर्सिटी में 4 साल की ज़िंदगी है लेकिन उन्होंने कब्र तक आपके साथ चलना होता है, तो वो लोग आपस में नहीं रह सकते, वो लोग आपस में नहीं रहते। हाँ, और मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मैं पहले कहना चाह रहा था वो ये है कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको चाहिए कि पॉजिटिव वे से अपना अच्छा तरीके से लेके चलें, ताकि आप लोगों ने आगे आना है और आप लोग आगे अच्छा परफॉर्म करें। बात रही जो आर्मी के अगेंस्ट होने की, आवाम और पब्लिक उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आर्मी जो है ना आप लोग इस, मेरी बात ड्यूटी करती है, उनके उनके अगेंस्ट जब जाते हैं, जब हम उनको कोर कमांडर के घर जाते हैं, ये है वो है, ये इस तरह की नेगेटिविटी ना फैलाएं कि आर्मी कुछ उखाड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, कुछ रूल्स हैं, कुछ आइंस हैं। आर्मी को भी अकल है कि हम किसी आम शहरी को किसी ब्रेन वॉश होके आए और हमला करे, वो कभी भी उसको सीधा शूट आउट करके गोली नहीं मारेंगे, ठीक है ना। उन्होंने भी फैसले करने हैं, उन्होंने फैसले करने हैं अपने आइन के मुताबिक करने हैं। अच्छा, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं देखें, और ये पाकिस्तान की यूथ है और कितनी मोटिवेशन रखती है, ये डिस्कशन हमें यूनिवर्सिटीज में करने को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मीडिया लेवल पे हमें रोका जाता है। देखें, जियो आर्ट में आप लोग घुस गए हो, उन लोगों ने जो हमारा आर्मी जो है ना वो इंडिया जैसे बाकी सारे मुल्कों को अपनी तरफ नज़रें उठाने नहीं देती, तो आपको जीआर घुसने क्यों दे रहे हैं? उस घुसने की वजह ये है, उन्होंने इसलिए आपको कुछ नहीं कहा कि आप लोग हमारी शहरी हो, आप लोगों की हिफाजत करनी है, आप लोगों को इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप लोग उनके ही शहरी हो, आप वो आपके ही मुहाफिज हैं। एक चीज़ और भी मैंने नोट की है, जब से ये वाकया पेश आया है जना हाउस वाला कोर कमांडर के घर वाला, मैं डेली इंटरव्यूज करता हूँ, आपने शायद देखा ही हो मुझे कहीं पे, तो तब पहले सब ये कहते थे पीटीआई के साथ हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस वाकये के बाद उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। इससे बात कर रहा हूँ, यही कह रहा है गलत हुआ, कहीं डर तो नहीं गए? डर तो, बात सुने 100 में से तकरीबन कोई 30% आवाम उसके साथ है, लेकिन मैं एज अ यानी कि शहरी सिटीजन को देखें, मैं किसी भी जमात को सपोर्ट नहीं करता ना मैं, लेकिन एक शख्स है की हैसियत से ना मैं इमरान खान को बहुत लाइक करता हूँ, वो इसलिए लाइक करता हूँ, वो स्पोर्ट्समैन है, मेरी डिग्री फिजिकल एजुकेशन से है, वो इसलिए मैं उसे लाइक करता हूँ पॉलिटिशियन के तौर पे। देखें, सारे चोर तो वही हैं, सारे देखें, खान साहब ने कहा था कि मेरे लोग अभी दूध पी रहे हैं, जिन्होंने मुझे वोट डालने हैं वो अभी दूध पी रहे हैं, जब 98 में और 97 में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे अभी जो वोटर है ना वो दूध पीते हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे वो खुद ही मुझे वोट डालेंगे। आज अगर 2020 है, वोट डालने वाले भी हैं, सही है 2000, और
टिकट बेचना, खान साहब ने कहा था कि मैं अवाम को ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है मानता हूँ, अवाम तो गरीब है यार पाकिस्तान की, तो 6 करोड़ की एमएनए की टिकट दे रहे हो तो अवाम कहाँ से खरीद रही है? कुछ कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यूथ के जितने भी जनरेशन में उनमें जोश भी है, बलबला भी है, लेकिन ये लीडर्स की डेमोक्रेटिकल बातें कि हम आने के बाद यूथ को ऊपर लाएंगे, तो इमरान खान से भी मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि उन्होंने यूथ को लाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद और ख्वाजा हसन साद रफीक ये लोग यूथ में नहीं है, ठीक है ना। आपने अपनी पॉलिसी को चेंज करना ना, तो अपनी प्लानिंग, प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग सारी चेंज करके यूथ को आगे लाएं, ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन पे जो बैन है वो खत्म किया, ठीक है। बैन के मसला तो ये है कि जब यूथ आगे आएगी तो बैन खत्म होगा ना, हम अपने राइट्स का सही यूज करेंगे तो हमारे बैन खत्म होंगे। वो लोग जो पिछले 50 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, वो अपनी बेतुकी सोच से जो लोग कह रहे हैं, जो दूसरों की माओ बहनों को जलील करते हैं, वही हमारे लीडर हैं। हम उनकी छत्र छाया में रह के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? लास्ट में आप, मैं लास्ट भाई कह के आपका इंटरव्यू जो भी आप आगे करें, बात ये है कि ये देखें, ये वही खान साहब हैं जिन्होंने 2021 में लामा खादिम हुसैन जी साहब इस्लामाबाद में इन लोगों के साथ कहा था कि आप हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करने वाले कौन हो भाई, कौन हो? और मैं तो इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द किया जाए। और अब ये वही खान साहब हैं जिनको हाईकोर्ट ने फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले किए हैं, और ये कह रहे हैं हम तो किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। भाई गलत है, मैं TLP का सपोर्टर हूँ, लामा खादिम हुसैनवी का 10 साल रहा हूँ, ठीक है। मैं इस्लामाबाद में शेलिंग भी हुई है हमारे पे, हमने सीधी गोलियाँ भी खाई हैं, और अपने इन गुनाहगार हाथों से लोगों की लाशें उठा के अपने मेम्बरों की उस कंटेनर से भी डाली हैं। क्या हमारे साथ वो भाई नहीं थे? वो किसी माँ का बेटा नहीं था? वो किसी बहन का भाई नहीं था? करने वाले कौन थे? बेशक पाकिस्तान की फोर्स थी या जो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान ही थे। क्या वो सिमर से बचते थे? यही चीज है, जब पाकिस्तान में आपस में लड़ाई होती है तब हम भूल जाते हैं कि भाई, और तब हम ये कहना भूल जाते हैं कि भाई हाईकोर्ट के फैसले, हाईकोर्ट के फैसले, तब गरीबों के लिए हाईकोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और अमीरों के बच्चों के लिए हाईकोर्ट के फैसले रद्द है। फैसले पता कौन करता है? फैसले हमारे जो ऊपर बैठी हुई एस्टेब्लिशमेंट, जो ये जो जितने भी फैसले होते हैं वो सारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी होती है। अब देखें TLP जो वाकया हुआ उसके पीछे कौन था? अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अल्लाह माफ करे मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है ना, जो आप समझ रहे हैं, मैं वो बहुत रही है पाकिस्तान की पब्लिक ये कुछ दिनों से नहीं रहे भाई, मेरी बात सुने, डर नहीं है। अब देखें अल्लाह की जात का है जनाब, उसमें जो पुत्र हूँ फैसले होंगे, आज 2 नवंबर लगेगा यादगार, फिर देखेंगे यादगार किन्ने घुमाई दे लाल आंदे ने। जनाब उसमें जो जलाओ गिराओ है उसके पीछे कौन है? अब ये नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर घुसे हुए लोग थे, और वो लोगों को जो ना बता रहे थे कि आए आए, और एक तस्वीर भी वायरल हुई है, कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं ना कि आर्मी वाले बंदे कह रहे हैं कि आप इनकी शिनाख्त करें, हम आपको 2 लाख देंगे, और नाम बताने वाले को सीधा रात में रखा जाएगा। लेकिन एक पीटीआई वाले बंदे, मैं आज ट्वीट देख रहा था, एक बंदे की तस्वीर है, कह रहे हैं जो इसकी पहचान करेगा हम उसको 3 लाख देंगे, और उस तस्वीर की पहचान करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और लामा खादिम हुसैनवी साहब ने एक बात कहते होते थे हमेशा कि इमाम अबू नीफा ने फरमाया था हमारी ज़िंदगियों के फैसले हमारे जनाजे करेंगे, और भाई इमाम अबू नीफा का जनाजा 13 लाख हुआ था उस दौर में, और लामा खादिम हुसैनवी साहब की जब वफात हुई है तो अमरीकन कैमरों में रिकॉर्ड नहीं हो पाई कितनी दुनिया थी। यादगार कहाँ पे और मुरीद के कहाँ पे, यादगार कहाँ पे और लोहाड़ी कहाँ पे, भाई के ज़िंदगियों के फैसले उनकी वफात कर गई है। यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अच्छा लगा डिस्कशन, हमने स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान के इमेज के साथ या ओवरऑल जो G7 की मीटिंग है उसके हवाले से बात की थी, बात बहुत लंबी गई लेकिन इंटरेस्टिंग गपशप रही। मैं ये समझता हूँ, देखें जैसे ये सड़क पे खड़े होके, ये पाकिस्तान का स्टूडेंट सड़क पे खड़े होके सोच रखता है कि पाकिस्तान को चेंज किया जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है उसमें अपना रोल प्ले किया जाए, तो क्यों नहीं स्टूडेंट जो फेडरेशन है उनके ऊपर बैन खत्म किया जाता, ऐसे नौजवान को